इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है। करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है, एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं? मैंने कहा अगर बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी, फोन पे बात करते माँ देखते हे बात बंद करो, किससे बात करते, किसके बात करते। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहाँ गए थे। मैं मानता हूँ ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी। और मैं मानता हूँ, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूँ मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तप करके डेमोक्रेसी पनपती है, और सरकारों को भी और शासन में बैठे हुए लोगों को भी वो सतर्क रखती है। और इसलिए अगर कोई आलोचना करता है, इसको मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन मेरी चिंता आलोचना नहीं है, दुर्भाग्य यह है कि आलोचना करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बारीकी में जाना पड़ता है, फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करने पड़ते हैं, हिस्ट्री पूरी निकालनी पड़ती है। अब आज ऐसी आपाधापी का समय है कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो अब ये काम कर पाते हैं। अच्छा, हर एक को इतनी तेजी है कि भाई 24/7 मैं आगे निकलूं, ब्रेकिंग न्यूज मैं दूं या वो दें, आपाधापी का युग है। और इसलिए क्रिटिसिज्म ने दुर्भाग्य से उस मर्यादाओं को तोड़ करके एलिगेशन का रूप ले लिया है। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले 2 दशक से करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो,
तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 70 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल न जाए, कौन सा दबाव था। हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। म्यांमार में रोहिंग्या की समस्या हुई, दुनिया ने उस प्रश्न को ह्यूमन राइट जिकना फलाना लेकर के जिसको जो अपनी पोजीशन लेनी थी ले ली। हम वहां पर नहीं अटके, रोहिंग्या लोग जो बांग्लादेश वापिस गए थे, हमने कहा बांग्लादेश हमारा एक मित्र देश है, हमने स्टीमर भर भर करके वहाँ चावल लेकर के पहुँचे। जो रोहिंग्या वहाँ आए हैं वो भूखे नहीं मरने चाहिए, मानवता का काम करने में भारत पीछे नहीं रहा। और म्यांमार के अंदर रखैन स्टेट है जहाँ पर ये लोगों को मुसीबत थी, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भारत ने म्यांमार सरकार के साथ समझौता किया कि हम रखैन प्रदेश के लिए उसके विकास के लिए भारत जो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है हम करेंगे। कम से कम इस 5 वर्ष, मैं आगे के लिए नहीं कह रहा हूं, इस 5 वर्ष पहले की सरकार की तुलना में हम कहां है ये अगर कंपेरेटिव देखोगे, मैं दावे से कहता हूं हर पैरामीटर में देश के लिए अच्छा करने में कोई कमी हमने नहीं रखी है। मैं गरीबों का एम्पावरमेंट करके गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथियों की एक नई फौज तैयार करना चाहता हूं, जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, और तब जाकर के गरीबी मिटेगी। गरीबी हटाओ के नारे से नहीं होता है,